अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। इमाम तर्मिजी, इमाम तर्मिजी जामे तर्मिजी जो अहले सुन्नत के सहाय सित्ता है उनमें से एक के मुसन्निफ है। मैंने इमाम तर्मिजी के बारे में पढ़ा था जमाने तालिब इल्मी में कहीं एक जगह कि आप फजर और की सुन्नतों और फर्ज के दरमियान वो एक दुआ पढ़ते थे और वो दुआ मैंने भी शुरू कर दी। अल्लाह ताला सारी मुश्किल एहसान कर देता है। वो फरमाया करते थे इलाही बिहुरमत हसन व अखी व उम्मी व अभी व जिद्दी व बनी फर्र जन्ना मा नहनु फी। ए मेरे रब, हसन के तुफेल, उसके भाई के तुफेल, उसकी वालिदा के तुफेल, उसके वालिद के तुफेल, उसके दादा के सदके और उसके औलाद के सदके मेरे तमाम मुश्किलात आसान फरमा। तो ये एक ताल्लुक है अहले बैत अतहार के साथ। और सईदा की शख्सियत, सईदा का मुकाम, सईदा की रिफत, अहले सुन्नत के इमाम है इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरा, इमाम मदीना। एक दफा किसी शख्स ने, जब आप मस्जिद नबवी में बैठा करते थे और दरस हदीस फरमाया करते थे, तो किसी शख्स ने आपसे पूछा कि ख्वातीन में सईदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिरा फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा आपसे बेहतर कोई है। उसने पूछा कि ख्वातीन में आपसे बेहतर कोई है, तो इमाम मालिक ने फौरन बरजस्ता जवाब दिया कि तुम ख्वातीन की बात करते हो, मर्दों में उनके से बेहतर कोई है? मर्दों में कोई बताए जो उनसे बेहतर हो। सईदा की शख्सियत, सईदा की अजमत, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कई जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज में, कलंदर लाहौरी का जो अंदाज है, मुख्तलिफ अंदाज में सईदा की को अपना खराज अकीदत पेश किया है। एक जगह वो फरमाते हैं कि मजरा तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरारा उसवे कामिल बतूल। वो लफज तस्लीम का इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इरफान की रस्तों पे थोड़े से पड़े हैं तो उनको पता है कि तस्लीम कौन सा मकाम है। तस्लीम नबियों में उलुल्लाज मिनर रसुल जो है, नबियों में जिनको अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरे नबियों में बाज नबी जो है, बाज रसूल जो है, वो उलुल अजम है, ये उनका मुकाम है तस्लीम का। और तस्लीम का मुकाम ये है कि तुम अपना सब कुछ ये अपने रब के सुपुर्द कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम तस्लीम पे फायज थे। और क्यों फायज थे? कि आपने अपना माल जो है لِأَنَّهُ أَسْلَمَ مَالَهُ لِلضَّيْفَانِ अपने माल को मेहमानों के लिए वक्फ कर दिया। وَنَفْسَهُ لِلنِّيرَانِ और रब की रजा के लिए अपने आप को आग के हवाले कर दिया। وَأَوْلَادَهُ لِلْقُرْبَانِ और अपने औलाद को कुर्बानी के लिए वक्फ किया। ये है मकाम तस्लीम। और ऐसा मकाम कि जब वो उसको मंजनीक में जब डाला जा रहा था, जिसके जरिए से उसको फेंका जा रहा था आग में, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि अल्लाह के खलील, अल्लाह से कुछ मांगना है तो मैं पहुंचा दूं। तो उस साहिब तस्लीम ने कहा कि इल्मुहु बिहाली व खैरुम मिन सवाली, वो तो मुझे देखता है, जब वो मुझे देखता है तो मेरे हाल पे उसका जो इलम है वो मेरे सवाल से मांगने से बेहतर है। मैं
وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری خاتون جنت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔